खाकी तुझे सलाम खास कार्यक्रम की पेशकश आज हमारी टीम है यातायात जो मांडीखेड़ा थाना है वहां पर मौजूद है और हम एक ऐसे अफसर को आपसे रूबरू कराएंगे जो हमेशा जो ट्रैफिक व्यवस्था देखते हैं मेवात ज़िले की और जो जहां पर भी जाम लग जाता है तत्पर अपनी टीम के साथ में वहां पहुंचते हैं और लगातार जो है मेवात के लोगों की ज़िंदगी बचाने का कार्य कर रहे हैं। लगातार उनकी टीम जो है लोगों को समझाती नज़र आ रही। आज ऐसे ही अफसर से हम आपको रूबरू कराएंगे और इनसे कुछ सवाल हमारे होंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार पहले के भांति जो मेवात पुलिस है कितनी मॉडर्न हुई है, क्या क्या नई सुविधाएं मेवात की ट्रैफिक पुलिस के पास में आ गई हैं और किस तरीके से आप देखते हैं जो है दुर्घटनाओं में भी खासी कमी अगर पिछले वर्ष की भांति देखी जाए तो खासी कमी नज़र आई है। चालान की बात करें तो चालानिंग पिछले वर्ष की भांति अब की बार बढ़ा जरूर है लेकिन उसमें सुधार भी हुआ है। अब मेवात के लोग जो है हेलमेट इत्यादि भी पहनने लग गए हैं काफ़ी। जहां पहले जिसका डंडा अगर मैं साफ अक्षरों में कहूँ कि जो अपराधियों पर घूमता था कहीं SHO नगीना रहे हैं बल्कि मेवात के लिए इंस्पेक्टर जगबीर नया नहीं है, रोज का मेवा SHO के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब मेवात के लोगों की जो है ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं। हमारे साथ जिला यातायात प्रभारी हैं इंस्पेक्टर जगबीर सिंह जो बेखूबी अपना धर्म संपूर्ण ईमानदारी के साथ में निभाते नजर आते हैं। मेवात की सड़कों पर अक्सर इनसे आपकी मुलाकात हो ही जाती होगी। इनकी टीम जो लगातार यातायात नियमों का पाठ पढ़ाती नज़र आती है और नहीं मानने पर हेलमेट इत्यादि के जो है चालान वगैरह भी पुलिस करती है और अब मेवात की पुलिस मेवात के पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में लगातार मॉडर्न हो गई है। कुछ पुलिस टीम की बदौलत होता है कि भाई ये वहाँ से आदेश प्राप्त होते हैं, ये नियमों को उन आदेशों को जो है सही मानते हुए उन आदेशों को पालना कराने की संपूर्ण तरीके से कोशिश करते हैं। इसे कुछ खास बातचीत जो ट्रैफिक के बारे में जो समय अनुसार अभियान वगैरह भी ट्रैफिक पुलिस चलाती नज़र आती है। सर क्या कहेंगे, एक हमारा प्रोग्राम है खाकी तुझे सलाम, तो इस प्रोग्राम के तहत आज हम आपको जनता से रूबरू करा रहे हैं और इसमें अपनी तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कोई नई तकनीकी आई है यातायात पुलिस के पास में पहले के भांति और काफ़ी दुर्घटनाओं में कमी आई है और किस तरीके से कर पाते हैं, सारे दिन भाग दौड़ किस तरीके से आप देखते हैं? मैं तो मेवात की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप ट्रैफिक रूल्स को पूरी तरह से जो है अपनाएं ताकि आप सुरक्षित रहें। ट्रैफिक के चालान की संख्या अगर बढ़ी है तो उसी को देखते हुए एक्सीडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा घटी है। इससे हमें यह लगता है कि भी अगर हम लोगों के चालान कर रहे हैं तो उसकी एवज एक्सीडेंट कम हुए हैं और जिससे ये प्रतीत होता है कि भी लोग अब धीरे धीरे ट्रैफिक रूल्स का जो है को मानने लगे। तो सर सारे दिन भाग दौड़, जवानों की भाग दौड़ और सारी ट्रैफिक व्यवस्थाएँ देखनी किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं आप? ये तो ड्यूटी का एक पार्ट है भी, जहां हम ड्यूटी कर रहे हैं वहां की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराना। अगर लोग जाम में फंसे होंगे तो पुलिस को गाड़ियाँ देंगे भी, हम जाम में फंस रहे पुलिस नहीं है, इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम जो पुलिस पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधा दे सकें। तो सर पहले क्या है कि यातायात पुलिस की शिकायतें भी काफ़ी आती थी लेकिन अब ना किसी का टायर फट रहा, चालान भी रेगुलर चल रहे हैं और पुलिस की जो है खासी कमी कहीं देखने को नहीं मिल रही, कोई शिकायतबाजी नहीं होती, किस तरीके से आपने मैनेज किया? हमारे पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला जी के आदेश है कि हम जो भी काम करें कानून के दायरे में रहकर काम करें, कानून से बाहर जाकर कोई काम ना करें। अगर कोई आदमी ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करा तो उसका जो भी उसने ऑफेंस किया उसे अकॉर्डिंग उसका चालान करें, ना कि उसका जो है आर्थिक नुकसान पहुँचाएं। नई सुविधाएं ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गई हैं, कैसा उनको मानते हैं, कौन कौन सी वो सुविधाएं हैं जो ट्रैफिक पुलिस आपने यहाँ जो है अवैध शराब पीकर वाहन जैसे चलाते हैं, शराब पीकर वाहन चलाते हैं, कई चालान सीट बेल्ट के ओवर स्पीड के किए हैं दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, उनका क्या असर कुछ देखने को मिला है कि लोग मानने लग गए? अब से पहले मेवात ज़िले में ड्रिंक एंड ड्राइविंग के चलान, ओवर स्पीड के चलान, ऑनलाइन चलान, डिजिटल चलान, पोस्टल चलान नहीं होते थे। जो चलान है अब होने लगे हैं,
धीरे धीरे पब्लिक इस संबंध में जागरूक होती जा रही है और जो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि भी अब चलानों की संख्या जिस तरह कम हो रही है तो लोग जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने लगे। सबसे बड़ा योगदान मैं कहूँ कि मेवात की पुलिस मॉडर्न हो गई है, फरीदाबाद दिल्ली गुरुग्राम की तर्ज पर यहाँ चालान शुरू हो गए हैं, इसका श्रेय आप किसको देते हो, क्या मानते हो? इसका श्रेय हमारे पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला जी को देते हैं हम, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी वही लेकर आए जो कि पहले हमारे ज़िले में यहाँ ये चीज़ें नहीं थी। नूह जिला पुलिस की कार्यप्रणाली में सबसे पिछड़ा हुआ जिला था, एसपी साहब के आने के बाद यहाँ सारी चीज़ें ऑनलाइन जो है की गई हैं, यहाँ तक कि उनके आने से पहले यहाँ हमारा रोजनामचा भी ऑफलाइन था जो इनके आने के बाद ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन प्रणाली एक नई तकनीकी से ऑनलाइन सारा सिस्टम ऑनलाइन, और जिलों में ऑनलाइन पहले से ही था, गुड़गांव और फरीदाबाद में जो ऑनलाइन था सब कुछ जो है, लेकिन यहाँ नहीं था जो इन्होंने आने के बाद जो किया है। तो पुलिस पब्लिक के आपसी तालमेल को कैसे मैनेज करते हैं, ट्रैफिक में तो काफ़ी वास्ता पड़ता है पब्लिक से, किस तरीके से देखते हैं? पुलिस पब्लिक के तालमेल को बनाने के लिए हम समय समय पर पब्लिक मीटिंग करते रहते हैं और लोगों को अवेयर करने के लिए स्कूलों में कॉलेजों में आईटीआई में और पब्लिक की वजह से पंचायतों में जाके ट्रांसपोर्टरों के पास जाके उनको इस बारे में जागरूक करते हैं। तो सर ओवरलोडिंग पर भी दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खासी कमी देखने को मिली है, किस तरीके से आपने ये समझाया कि ओवर हाइट लेकर चलते हैं, कैसे ये लोग माने? जो गाड़ियाँ ओवरलोड चलती हैं उनके ड्राइवरों को और मालिकों को दोनों को बुला करके समझाया गया कि भाई आप अगर इस तरह से करोगे बार बार आपके चलान होंगे, आप जितना कमाओगे उससे ज़्यादा कहीं जो आप चलान में दे जाओगे, तो लोगों को समझ में आया उन्होंने जब जो इस बात पे जो चालान की अगर बात करें तो पहले के मुताबिक जो पिछले वर्ष जनवरी में 600 कुछ चालान हुए थे, 635 के लगभग चालान हुए थे 2022 की बात करें, 2023 का डाटा उठाकर देखें तो चालान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। देखो अगर आंकड़ों की बात करूँ एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं है, बाकी पिछले साल जनवरी में इस 26 जनवरी तक लगभग 1400 चालान किए गए थे और इस बार 2023 में 26 जनवरी तक लगभग 7000 चालान किए गए। तो इनका जो चालानिंग लगातार चालान हो रहे हैं, अगर अब की बात करें तत्काल 2023 जनवरी चल रहा है तो 26 जनवरी तक हमने चालान का ये निकाला है, तो प्रतिदिन ट्रैफिक पुलिस की बात करें ट्रैफिक पुलिस अपने कितने चालान कर रही है? ट्रैफिक पुलिस की 300 से 400 चालान की डेली की लगभग एवरेज है। अभी हमारा एक अभियान चल रहा है जीरो टॉलरेंस। जी जीरो टॉलरेंस में हमने 24 तारीख को 592 चलाने के दिन में की थी। जीरो टॉलरेंस के तहत। तो अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को भी और मेवात के लोगों को भी जो आज भी अनजान हैं, यातायात नियमों को फॉलो नहीं करते, हेलमेट वगैरह नहीं लगाते? मैं तो यहाँ की जनता को यही कहूँगा कि भी जिंदगी अनमोल है, आप अपने और अपने बच्चों के लिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। मेरा सभी से ये आग्रह कि आप ट्रैफिक रूल्स को जो है पूर्ण रूप से फॉलो करें। ये थे हमारे साथ जो ट्रैफिक यातायात जिला यातायात प्रभारी इंस्पेक्टर जगबीर सिंह, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब बेखूबी दिए और उन्होंने कुछ गुरु मंत्र, मैं इनको कहूँगा कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो मैनेज कर पाए, और इतने कम समय में, मैं कम समय कहूँगा कि यातायात थाना प्रभारी होते हुए भी कम ही समय हुआ है, जबकि मेवात की पुलिस मॉडर्न हुई है, मेवात के पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला की बदौलत, उनकी बदौलत जो है आज ये देखने को मिल रहा है कि जहां ANPR कैमरों की मदद से पोस्टल चालान घर पर भिजवाए जा रहे हैं और दिल्ली गुरुग्राम फरीदाबाद की तर्ज पर अब मेवात में भी ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया जो है 1 जनवरी से शुरू कर दी गई है, और बाकी जो है ट्रैफिक पुलिस स्कूल कॉलेजों के माध्यम छात्र छात्राओं को जहां समझाती है कि भाई वहां पे अगर ये समझाने जाते हैं तो वो अपने घर भी बताते हैं कि भाई इस तरीके से आज जो है यातायात जो ट्रैफिक पुलिस है उनके जवान आए थे और उन्होंने ये बताया था कि हेलमेट कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी अनमोल है, कृपया कर अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दें,
हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें, सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, अपने वाहन के कागजात साथ में लेकर चलें। वर्दी तुझे सलाम खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य अधिकारी के साथ में और फिर होंगे इसी तरीके के सवाल।